charge flown through a coil due to change in flux. अब क्या होगा कि मान लो फ्लक्स चेंज हो रहा है, वायर में करंट पैदा हो गया, तो उसमें चार्ज कितना गया? तो EMF क्या है? डी फाई बाई डी टी. करंट क्या है? EMF बाई रेजिस्टेंस. तो करंट क्या है? 1 बाई आर इंटू EMF. अब करंट होता क्या है? डी क्यू बाई डी टी. डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, डी क्यू की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ डी फाई. स्मॉल चार्ज आ रहा है, जब स्मॉल चेंज इन फ्लक्स डी फाई है, तो टोटल चार्ज अगर निकालना है तो दोनों की इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन में डी क्यू क्या देगा आपको? डेल्टा क्यू. और डी फाई क्या देगा? डेल्टा फाई. तो आप प्लीज़ ये फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें कि टोटल चार्ज कितना फ्लो होता है जब टोटल चेंज इन फ्लक्स डी फाई है. तो जो भी चेंज इन फ्लक्स है उसको रेजिस्टेंस आर से डिवाइड कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज की वैल्यू आएगी. इसे फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करें. टोटल चार्ज का फॉर्मूला 1/r इनटू टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? एग्जाम्पल है इसका. क्वेश्चन कैसे आता है? आपके पास एक लूप है, ये एक लूप है. आप इसे 180 घुमा दें. जब आप इसे 180 घुमाएंगे तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा. मान ले पहले बी भी अंदर है, एरिया वेक्टर भी अंदर है, बी और एरिया में एंगल क्या है? ज़ीरो. तो इनिशियल फ्लक्स क्या होगा? बी ए एरिया कॉस ज़ीरो. आपने 180 घुमा दिया तो एंगल इनके बीच में क्या हो गया? 180. तो बी इंटू एरिया इंटू 180, तो ये फ्लक्स आ गया. तो चेंज इन फ्लक्स क्या आ गया? दोनों को माइनस करके मैग्नीट्यूड आ गया. चार्ज फ्लो कितना करेगा? टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस आर. तो दिस इज द आंसर. समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है फॉर्मूला? तो पहले टोटल चार्ज का फॉर्मूला निकाल लें, टोटल चेंजिंग फ्लक्स निकाल लें, उस पर रेजिस्टेंस आर से डिवाइड कर लें.